Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum and welcome to Excellence Online. This is your host Muhammad Asad Ali and this is Maths, Facts and Concepts episode 8. तो आज के इस एपिसोड में हमने डिस्कस करना है कि हम स्क्वायर रूट्स को किस तरह शॉर्टकट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो एप्टीट्यूड टेस्ट के स्टूडेंट्स होते हैं और जो लोअर ग्रेड्स होते हैं ग्रेड 8, 9, 10 तक, जहां पर किसी टेस्ट में या कहीं पर आपको कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड नहीं होता और कोई बड़ा सा नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो वो आप शॉर्टकट वे में किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बड़ी चीज़ याद होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये सिर्फ अगर आपको याद है तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए सारे स्क्वायर्स मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं। अब सपोज फॉर एग्जांपल मुझे एक नंबर है 576, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले जो लास्ट नंबर्स होंगे उनका एक पेयर बनाऊंगा, यानी 76। अब 76 का जो लास्ट डिजिट है मुझे ये देखना है कि 6 किस किस नंबर के स्क्वायर का लास्ट डिजिट होता है। यानी अगर आप गौर करें तो 4 का स्क्वायर 16 होता है तो उसके लास्ट में भी 6 आ रहा है, इसी तरह 6 का स्क्वायर भी 36 होता है उसके लास्ट में भी 6 आ रहा है। तो इससे हमें ये बात पता चली कि 576 का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसका लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर है 5 हो गया, जैसे हमें ये देखना है कि ये कौन सा स्क्वायर है जिसके जो इससे कम नंबर है, यानी 5 से छोटा 4 होता है जो 2 का स्क्वायर होता है, तो हमने 2 लिखा। अब हमें ये देखना है कि 2 से जो नेक्स्ट नंबर होता है 3, उसको मल्टीप्लाई करके आता है 6। तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है हमें कंपेयर करना है ओरिजिनल नंबर से। जो ओरिजिनल नंबर है वो 6 से स्मॉलर है, छोटा है, तो हमने ये कहा कि हम 4 और 6 में से छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू यानी कि 4 लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। तो आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर में 24 का स्क्वायर, यानी कि 24 × 24 576 होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, सपोज मुझे 6084 का स्क्वायर रूट लेना है, 4 डिजिट का नंबर हो गया ये। तो 6084 का जब आप स्क्वायर रूट लेना चाहेंगे तो लास्ट नंबर्स का अगर आप पेयर बनाएं तो 84 बनता है। अब 84 का लास्ट डिजिट 4 है, आपने ये देखना है कि 4 किस किस नंबर के स्क्वायर में लास्ट में आता है। तो 4 2 का स्क्वायर के लास्ट में आता है और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो हमने ये कहा कि 6084 का जो स्क्वायर रूट होगा उसके लास्ट में या फिर या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। उसके बाद हमने जो रिमेनिंग नंबर्स हैं यानी कि 60 है, ये देखा कौन से परफेक्ट स्क्वायर के करीब है। तो 64 जो परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा है वो 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, तो हमने 7 मल्टीप्लाई 8 किया, 56 आया। अब 56 जो ओरिजिनल नंबर है उससे स्मॉलर है, यानी ओरिजिनल नंबर जो 60 है वो 58 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर को हम देखते हैं, ओरिजिनल नंबर ग्रेटर है तो आपने वहाँ से भी ग्रेटर नंबर लेना है, यानी कि 8 आपने ले लिया, तो आप कहेंगे कि 78 का स्क्वायर 6084 होता है या 6084 का स्क्वायर रूट 78 होता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, सपोज हमारे पास 6889 है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। लास्ट डिजिट्स हमारे पास 2 जो इनका पेयर है वो है 89, तो 89 का लास्ट डिजिट 9 है, मुझे ये देखना है कि 9 किस किस के स्क्वायर में आता है। तो 9 3 का स्क्वायर होता है और 9 7 का स्क्वायर होता है। तो हमने ये कहा कि इसका लास्ट डिजिट या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब हमें ये फैसला करना है कि 3 या 7 से पहले वाला डिजिट कौन सा होगा। तो 89 से पहले जो हमारे पास नंबर बचे हैं वो है 68, तो हमें ये देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जो 68 से कम है। तो 68 से कम परफेक्ट स्क्वायर है 64, यानी कि 64 का रूट 8 होता है, तो हमें 8 लिखना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि 8 के साथ 3 आएगा या 7 आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 को इससे नेक्स्ट नंबर यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 9 72। तो ओरिजिनल नंबर जो 68 है वो 72 से छोटा है, तो हमें छोटी वैल्यू यानी कि 3 लेनी पड़ेगी, तो 6889 का स्क्वायर रूट 83 होगा। तो ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट्स तक के अगर नंबर्स हों उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वैलिड रहती है। तो इसी के साथ ही आज का एपिसोड इख्तिताम पज़ीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़।